BJP జాతీయ అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం समझ गए बैठ बैठ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम और डॉलर के बनाम रुपये की गिरती हुई कीमत ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए चिंता का विषय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटनाएं हुई हैं अमेरिका चीन ट्रेड वॉर अमेरिका और पेट्रोल उत्पाद करने वाले देशों के बीच में संबंधों का तनाव इसके कारण एक अंतर्राष्ट्रीय कारणों से ये घटनाएं हुई है इसकी हम चिंता भी कर रहे हैं इस पर चिंतित भी हैं और इसके रास्ते ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं कुछ ही समय में इस पर सरकार एक स्टैंड लेकर जनता के सामने आएगी परंतु मैं इतना जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश भर की मुद्राओं के अनुपात में रुपये की गिरावट कम है बहुत कम है आप कोई भी मुद्रा उठाकर देख लीजिए सारे देशों की उसमें रुपये की गिरावट कंपेरेटिवली कम है परंतु ये बिल्कुल इंटरनेशनल परिस्थितियों के कारण एक संकट आया है और वो संकट में हम जनता की संवेदनाओं को समझ भी रहे हैं और उसको रास्ता निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं एक और ये जो चंद्रा बाबू जी के बाबली वाली घटना कही मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं ये प्रदर्शन हुआ था 2013 में यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी 2010 में यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार तब उन पर मुकदमा तय हुआ था तो वेंडेटा करने वाले के साथ चंद्रा बाबू अभी गठबंधन कर निकले आप लोगों को इतना तो स्टडी करना चाहिए कि इन पर केस दर्ज करने वाले लोगों के साथ तो वोट मांगने निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया एक केस कांग्रेस सरकार में हुआ 2010 में 2013 में चार्जशीट हुआ वो भी कांग्रेस सरकार में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है 25 समन निकले के बाद भी कोई नहीं जाता है तो कोर्ट अपना काम करी हमारे नेताओं पर भी समन निकले उन्होंने कोर्ट का सम्मान कर हाजिर हुए और प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया कोई व्यक्ति अपने आप को सिंपथी लेने के लिए इस प्रकार के चीजें जो खड़ी करना चाहते हैं तो मैं मानता हूं तेलुगु जनता को इतनी तो समझ है कि कोर्ट की प्रक्रिया क्या है केस किसने दर्ज किया था जिसने केस दर्ज किया इसके साथ अब गठबंधन कर निकले हो ये सारी चीजों की तेलुगु जनता को जानकारी सर तेलंगाना की पब्लिक में एक कंफ्यूजन है टीआरएस ने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपको सपोर्ट किया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपको सपोर्ट किया जीएसटी में सपोर्ट किया डिमोनेटाइजेशन में सपोर्ट किया फेडरल फ्रंट की अपनी जो प्रयास थे उसको डाइल्यूट कर दिया फिर प्रधानमंत्री से मिलने आने के बाद मैं समझ गया इतना सारा मत सोचो इसने हमारा सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस का विरोध किया है चलिए आगे ये सारी जगह पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया है आगे हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया मैंने कहा कि उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए वादा कर वोट प्राप्त करें हमारे घोषणा पत्र में हम कहेंगे तो जरूर करेंगे मगर हमने वादा नहीं किया था आपका सीएम उम्मीदवार देंगे क्या अभी इलेक्शन के पहले अभी तय नहीं किया है जी आप लीजिए किसका डिसीजन ना जी हमारे हर डिसीजन को नहीं माने मैंने कहा ना कि हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस योजना है आयुष्मान भारत नहीं स्वीकार किया इंद्रधनुष का इंप्लीमेंट नहीं हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है मगर आप क्या ऐसा चाहते हो कि राज्य और केंद्र के बीच में तलवारें लेकर 1857 की तरह सब आमने सामने खड़े करें एक डेमोक्रेसी है भाई राज्य की सरकार अपना काम कर रही होती है केंद्र की सरकार अपना काम कर रही है अमित शाह जी तेलंगाना ऐसा नहीं है सेंट्रल का भी हम सब एक पेज पर है मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं भैया मैंने अपना स्टैंड क्लियर किया है और एक फाइनल स्टैंड है
अमित शाह जी, दो सवाल है। पहला ये कि तेलंगाना में बीजेपी के लिए बड़ा ऑपोजिशन कौन है, टीआरएस या कांग्रेस, किसको आप मानते हैं? हम दोनों का विरोध कर चलेंगे, हम तेलंगाना की जनता के लिए काम करेंगे। दूसरा सवाल सर ये, आपने कहा 2 लाख, कृपया आप एक ही सवाल, नहीं सर ये सवाल इम्पोर्टेंट है, पहले पूछना चाहिए था सर। तो 2,30,000 करोड़ जो आपने सर बोला, तो उसमें केसीआर साहब ने बोला कि वो भी काफी ज्यादा रुपया सेंटर को देते हैं, और पिछली बार उन्होंने इस पे सवाल खड़े किए थे कि स्टेट से भी काफी सेंटर को जाता है। तो एक 2,30,000 करोड़ आर्ग्यूमेंट स्टेट से सेंटर को जाता है, वो 2013 में नहीं जाता था क्या? मेरा ये कहना है कि 2013 में भी सेंटर में जाता था, जब कांग्रेस की सरकार थी, वो 15,000 करोड़ देते थे, हमने 2,30,000 करोड़। मेरा इतना ही विनम्र कहना है, हमने कोई उपकार नहीं जताया है, ये तेलंगाना की जनता का अधिकार है, मगर कांग्रेस पार्टी अधिकार नहीं देती थी, हमने अधिकार देने की शुरुआत की। कर लेंगे भैया, अभी कोर्ट में है। अमित जी आशीष आज तक से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आपने बात की, हैदराबाद से सांसद हैं, लगातार जीतते रहे हैं, पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पार्टी इस बार चुनाव कंटेस्ट करेगी? आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटलीस्ट 3 से 4 बार उनका जिक्र किया है, कैसे उनको आप लोग पार्टी उनके खिलाफ कैंडिडेट या इलेक्शन कैंपेन करेंगे? नहीं, हर बार लड़ते हैं हम, तो इस बार भी लड़ेंगे भैया, और स्ट्रेटेजी कोई माइक में थोड़ी ना बताई जाती है। अमित शाह जी भारत फ्रॉम V6 न्यूज चैनल, आपने बोला टीआरएस के साथ किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में मोदी जी ने केसीआर को तारीफ किया और आप यहाँ गाली दे रहे। नहीं, अच्छी देखिए, तारीफ किस विषय में किया, जरा विषय तो याद करिए। ऐसे नहीं होता भाई, कोई पर्सनल दुश्मनी किसी की नहीं होती है, मगर जब तेलंगाना की जनता के मुद्दे आते हैं तो विकास के मुद्दे पर हम इनके खिलाफ है, जिस प्रकार से तेलंगाना सरकार एपिसमेंट कर रही है, ये मुद्दे पर हम इनके खिलाफ। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे यहाँ, क्यों नहीं आ रहे आप? यहाँ आएंगे भैया, अभी तो चुनाव को देर है, आएंगे दमखम के साथ आएंगे और जोर से प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं किया, आप पूरा रिकॉर्ड निकाल कर देख लो, 2 राज्य बनने के बाद कंपैरिजन किया था। अमित जी सर, किसने ऐसा कहा भाई? अरे भाई मुझे मालूम नहीं है क्या कहा, तुम कहाँ यहाँ से, मेरी जानकारी में नहीं इशू भैया। बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ है, सिर्फ तोगड़िया जी नहीं, बहुत सारे लोग खिलाफ। अभी जी मैं राजकिरण बात कर रहा हूँ, टाइम्स इंटरनेट से। अमित जी, जैसा यूपी में योगी आदित्यनाथ जी को सीएम बनाया है, उसी तरह से तेलंगाना में भी एक योगी जी के टाइप के एक स्वामी जी को लाना चाह रहे हैं, इसी तरह से स्पेकुलेशन चल रहा है, क्या आप कहते हैं? आपको ठीक लगता है क्या? ऐसा स्पेकुलेशन चल रहा है, जनता पार्टी ने कोई प्रत्याशी तय नहीं किया है। नहीं, मैं तो हर जगह जाता हूँ, कल भी गणपति के मंदिर में जाकर आया, किसी का अड्डा नहीं होता। ये हिंदुस्तान है, किसी का अड्डा नहीं है, हम किसी के अड्डे को मान्यता नहीं देते हैं, ये भारत का एक हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इंच इंच जमीन को भारत का हिस्सा मानता है। उचित समय पर बताएंगे आपको। मैंने जवाब दिया ना, बहुत सारे लोग हमारा विरोध करते हैं। सर, वन क्वेश्चन सर,
Sir, in Telangana state, 52% population of the BCs. BC population 52%. मगर आप इलेक्शन में जाने के टाइम पे वो पब्लिक जनता का पब्लिक का हिसाब से आप सीट देते, नहीं तो कौन तो भी कैसा जे देते आप सीट्स पर। चलो थैंक यू फॉर योर एडवाइस। Mr. Parikar is not well. Mr. Parikar is very unwell. Are there any, has the party taken any decisions or is it in the process in terms of finding who is going to be? अभी हम कामना करते हैं कि परिकर जी जल्दी स्वस्थ हो और इस पर उचित समय पर पार्टी करेगी। सर, there is a hung assembly in Telangana. Whom are you going to support, sir? नहीं, ऐसा नहीं होता। पार्टी सीटों को किस प्रकार से बांटेगी और किसको टिकट देगा मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। पार्लियामेंट्री बोर्ड की प्रोसेस है, विद इन पार्टी मेरी पार्टी की प्रोसेस है। ना, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने सुनिए ना भैया, मुझे मेरी बात कहने का तो अधिकार है ना। मैंने MIM के लिए कहा है। चलिए, बस स्पष्टता हो गई। बहुत हो गया मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंकड़े आपको मेरे कार्यालय की ओर से दिए जाएंगे।